बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जेल से छूटने के कई महीनों बाद रिया चक्रवर्ती ने अब सोशल मीडिया पर वापसी कर ली है। रिया चक्रवर्ती की जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है। काफी समय तक सोशल लाइफ से दूर रहने के बाद अब पैंडेमिक की इस मुश्किल घड़ी में रिया ने मदद की पहल शुरू की है। रिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर जरूरतमंदों को उनसे संपर्क करने को कहा। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। रिया चक्रवर्ती ने अपने इस पोस्ट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए भी अहम जानकारी शेयर की है। रिया चक्रवर्ती ने पोस्ट में लिखा, कठिन समय एकता को पुकारता है, हर उस व्यक्ति की मदद करें जिन्हें सहायता चाहिए, छोटी हो या बड़ी मदद, मदद मदद होती है। मुझे DM करें अगर मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकती हूँ, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी, ख्याल रखूंगी, दया भाव रखें। वहीं इसके अलावा एक दूसरे पोस्ट में रिया ने ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी अहम जानकारी भी शेयर की है। रिया ने पुणे के सतारा और मुंबई बेल्ट के अस्पतालों के लिए एक इन हाउस ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट MTC ग्रुप द्वारा दिए जा रहे ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बताया है। पोस्ट में रिया ने MTC ग्रुप द्वारा मदद के लिए जारी किए गए अपने बयान को शेयर किया है। रिया ने सुशांत के फैंस द्वारा लगातार मिल रही धमकियों के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डायरेक्ट मैसेज और कमेंट्स ऑप्शन ऑफ कर दिया था, जो कि अब कोरोना महामारी में मदद के लिए रिया ने फिर से ओपन कर दिया है। रिया चक्रवर्ती के वर्क फ्रंट की बात करें तो आने वाले समय में रिया इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म चेहरे में नजर आएंगी। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग सुशांत की मौत से पहले ही शुरू हो चुकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।